पंचायत के चुनाव कराए गए, 4000 पंचायतों में 40000 पंच सरपंच आज जनता की सेवा कर रहे हैं। और महोदय में इतना ही नहीं, 3700 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर के पंचों का, सरपंचों का, ग्राम पंचायतों का अधिकार था, सीधा उनके हाथ में जाए, वो पहुंचता नहीं था। उसमें से 700 करोड़ रुपया आज सीधा पंचायत के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। और महोदय, इसका सर्टिफिकेट आने के बाद तुरंत ही और 3000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की 4000 पंचायतों को हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। और पंच सरपंच भी बहुत अच्छा काम, कल मैं आया उनको मिलकर आया हूं महोदय, बहुत अच्छा काम है। और एक बात विशेष मैं सदन को बताना चाहूंगा, पक्ष विपक्ष दोनों को इससे आनंद होगा कि कई बार जम्मू कश्मीर में हमने रक्त रंजित चुनाव देखे, सबके मन को दुख होता था, दिल में मलाल होता था कि चुनाव के अंदर रक्त क्यों धरती पर बहा जा रहा है। 40000 पदों के लिए चुनाव हुआ, अध्यक्ष महोदय एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है, एक भी व्यक्ति की जान। पूरा संसद का चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर के हर मतदाता ने वोट डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मत प्रतिशत भी बढ़े हैं और हिंसा भी नहीं हुई है। यही दर्शाता है कि स्थिति लॉ एंड ऑर्डर सरकार के कंट्रोल में है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक विकास का सवाल है, ढेर सारे नए इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता ये महसूस कर रही है कि जम्मू और लद्दाख ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के हिस्से हैं। क्षेत्रीय संतुलन को नहीं संभाला जा सकता, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, मैं आंकड़ों के साथ इसको सिद्ध कर सकता हूं। जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र की अवज्ञा की जाती है, हमने अवज्ञा किसी की नहीं की, किसी का नहीं छीना है, मगर जिसका अधिकार था उसका अधिकार उसको पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बात किया। और माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, इसके कारण जम्मू क्षेत्र के अंदर, लद्दाख के क्षेत्र के अंदर एक पहली बार जनता संतोष का अनुभव करे। कोई भी वर्षों से लंबित मसले थे, मैं देश के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गृहमंत्री जी को सदन पर रिकॉर्ड पर अभिनंदन देना चाहता हूं कि पहली बार एक साल के अंदर ये सभी मसलों को एड्रेस किया गया, ज्यादातर मसलों को निपटा दिया गया। जम्मू कश्मीर से, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से आए हुए जो शरणार्थी थे उनका मसला हो, पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी थे उनका मसला हो, उनके स्टेट सब्जेक्ट का विषय हो, हर विषय के अंदर इनिशिएटिव लेने का काम ये राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है। बंकर नहीं बनते थे, जाने चली जाती थी, मवेशी मारे जाते थे, पशुधन मारा जाता था, कोई मुआवजा नहीं मिलता था। 50000 रुपया एक भैंस मारे जाने पर और संख्या सीमित करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के दरमियान हुआ है। और राष्ट्रपति शासन में, राज्यपाल शासन में वो कंटिन्यू, लगभग 15000 बंकर बनाने का फैसला हुआ है। हमारे लिए सीमा पर रहने वाले एक एक व्यक्ति की जान का अमूल्य जान है, इसका बहुत महत्व है। इसके लिए पैसों का विचार नहीं किया जाना चाहिए। अध्यक्ष, 15000 बंकर बनाने की बात थी, उसमें से 4400 बंकर बन चुके हैं। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो समय सारणी श्रीमान राजनाथ सिंह जी तय कर गए हैं, वो समय सारणी एक भी दिन लेट करे बगैर 15 के 15000 बनकर बना दिए। महोदय, मेरा इतना ही कहना है कि बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, सदन के सभी सदस्य जब इस पर बोलेंगे मैं इसके जवाब में काफी सारी बातें बताऊंगा भी, मगर मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल रहे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें हम जरा भी लिपापोती नहीं करना चाहते। और जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल रहे, कानून का शासन बहाल रहे और आतंकवादियों की जड़ समेत उखाड़ने के लिए कार्रवाई हो, इसके लिए भी ये सरकार कटिबद्ध है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को अपील करना चाहता हूं
कि मैं जो प्रस्ताव लेकर आया हूं उसके पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर की जनता के लिए सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश से जमीनी सीमा सटी हुई है, देश की सुरक्षा के मुद्दों के लिए वहां की जनता के कल्याण के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन करे और ये सदन शक्ति प्रदान करे और 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन करने। महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव लेकर आया हूं जिसमें जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें थोड़ा बदलाव कर कुछ नए सूत्रों को जोड़ने का प्रस्ताव लेकर आया हूं। महोदय, जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून 2004 के तहत 43% वर्टिकल आरक्षण का प्रावधान जम्मू कश्मीर के संविधान के अंदर हुआ है जिसमें अनुसूचित जातियों को 8%, अनुसूचित जनजातियों को 10%, पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोगों को 20% और कमजोर निर्धन लोगों को 2% और नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों के निवासियों के लिए 3%। मैं आज जो प्रस्ताव लेकर आया हूं ये वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों के निवासियों के लिए जो 3% आरक्षण है इसके अंदर वो 3% के अंतर्गत ही इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक रहने वाले लोगों को भी ये आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए, ये प्रस्ताव लेकर आया। इसका कारण है चाहे LOC हो, चाहे LAC हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, तीनों सीमाओं पर जो गांव बसे हैं उनको उनकी हार्डशिप एक समान है। तीनों के उस और पाकिस्तान का कब्जे वाला कश्मीर या तो पाकिस्तान है, गोलाबारी करते हैं, सीज फायर का बार बार उल्लंघन करते हैं और जब शैल यहां पर आते हैं तो यहां इतनी नुकसान होता है जिससे बच्चों को अपनी पढ़ाई लिखाई में सातत्य रखने में बड़ी दिक्कत आती है। ये आरक्षण किसी को प्लीज करने के लिए नहीं है, मगर सदन ने संवेदना के साथ ये बात को विचार करना चाहिए। जब सेलिंग होती है माहों माह तक, कई दिनों तक बच्चों को शेल्टर हाउस में रहना पड़ता है, स्कूल बंद हो जाती हैं, शालाओं कई महीनों तक चलती नहीं है, तो उनकी IQ होने के बावजूद, इंटेलिजेंसिया होने के बावजूद उसके मार्क लाने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है। महोदय, और जब कानून बना LOC के लोगों को भी मिलना चाहिए, LAC के लोगों को भी मिलना चाहिए, मगर इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो गांव है वो शायद छूट गए थे, उसका विचार नहीं किया गया था। राज्यपाल महोदय ने यहां पर प्रस्ताव भेजा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी जो गांव बसे हुए हैं उसको भी आरक्षण का फायदा देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में नया कानून या तो कानून में संशोधन करने का विधानमंडल का जो अधिकार है वो संसद में नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव को लेकर मैं आया हूं। और महोदय, इससे जम्मू क्षेत्र के करीब करीब 3.5 लाख नागरिकों को इसका फायदा होगा, कठुआ, सांबा और जम्मू जिले के लोगों को फायदा होगा, कठुआ के 70 गांव, सांबा के 133 गांव और जिला जम्मू के 232 गांव को उसको फायदा होगा। और 3.5 लाख लोगों की आबादी जो पाकिस्तान के साथ कभी भी सीज फायर का उल्लंघन जब होता है तब इसको झेल रही है, उनके बच्चों को जो उसके कारण नुकसान होता है, शायद इस आरक्षण से उन नुकसान की कुछ भरपाई हम कर पाए, इतने उम्दा आशय के साथ ये मैं प्रस्ताव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं सदन को विनंती करता हूं आपके माध्यम से महोदय कि इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले बच्चों के लाभ के लिए इसको भी अनुमोदन करें और आरक्षण के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के बच्चों को भी समाहित किया जाए, इतना निवेदन कर मैं मेरी बात। श्री NK प्रेमचंदन। So thank you very much, sir, for giving me this opportunity to move the resolution as well as speak on the bill, that is bill seeking extension of presidential road in the state of Jammu and Kashmir. तो अमित शाह को सुन रहे थे। जम्मू कश्मीर आरक्षण कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को रिजर्वेशन मिले, शांति बहाली की पूरी कोशिशें की गई हैं सरकार द्वारा, किस तरह से शांति बहाली की जा रही है वो भी बताया, साथ ही आरक्षण कानून में संशोधन के जरिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा
से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होना चाहिए, आरक्षण मिले, इस पर भी तफसील से बीजेपी प्रेसिडेंट और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी बात रखी। साथ ही राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने की बात, और कुल मिलाकर अभी तक जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा जो जरूरी और बड़े कदम उठाए गए हैं वो भी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिलसिलेवार तरीके से लोगों के सामने अपने इस संबोधन के जरिए उन्होंने रखे। 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ा दिया जाए, ये सिफारिश उनकी तरफ से की गई। और दूसरी बड़ी बात जिसके बारे में बार बार चर्चा हो रही थी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है LOC LAC और साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इलाके, लोगों को आरक्षण रिजर्वेशन वहां पर मिलना चाहिए। एक बार फिर से सुनिए कौन सी बड़ी बातें होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा कही गई जो कि अभी 2 दिन के दौरे से कल ही वापस लौटे हैं जम्मू कश्मीर के। जम्मू और कश्मीर में के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जारी दिनांक 19 दिसंबर 2018 की उद्घोषणा के प्रवर्तन को 3 जुलाई 2019 से 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रखने का अनुमोदन करती है। एक जम्मू कश्मीर की राज्य की स्थिति को देखते हुए वहां पर जो राष्ट्रपति शासन अभी चल रहा है उसकी अवधि को 6 माह और बढ़ाने का प्रस्ताव है, और दूसरा जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 5 और 9 के तहत जो आरक्षण का प्रावधान है उसमें भी संशोधन कर कुछ और क्षेत्रों को जोड़ने का प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव लेकर मैं आया हूं इसके बारे में सदन के सामने मेरा पक्ष रखने का पसंद करूंगा। महोदय, ये बिल जो मैं लेकर आज आया हूं वो बिल का मूल तत्व ये है कि 2 जुलाई से 6 माह तक जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जाए। 28 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन यही गृह ने किया था, और राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 20 जून को महोदय पीडीपी सरकार के पास बहुमत नहीं रहा, जम्मू कश्मीर संविधान के तहत जब बहुमत किसी का नहीं रहता है तो राज्यपाल महोदय सभी दलों से बात करने के बाद राज्यपाल शासन को लेकर आते हैं, और जब किसी भी दल ने सरकार बनाने का अपना दावा पेश नहीं किया, कोई बहुमत की स्थिति नहीं बनी, तो राज्यपाल महोदय ने 6 महीने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान के तहत राज्यपाल शासन डाला। 21 नवंबर 2018 को कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई, विधायकों की खरीद फरोख और हॉर्स ट्रेडिंग के मामले भी सामने आने लगे और लंबे समय तक अस्थिरता थी, तो राज्यपाल महोदय ने निर्णय किया कि 21 नवंबर 2018 को विधानसभा को भंग कर दिया जाए और 21 नवंबर 2018 को चुनी हुई विधानसभा को भंग करने का निर्णय राज्यपाल महोदय ने लिया। उसके बाद में 9 दिसंबर 2018 को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त होती थी, इसलिए विधानसभा वहां अस्तित्व में नहीं थी। तो गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए और बढ़ाने की सिफारिश की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन आरक्षण की भी बात कही। क्षेत्रीय संतुलन को बड़ा मुद्दा उन्होंने बताया और शांति और खुशहाली की बात जम्मू कश्मीर में, और कहा लोग संतुष्ट हैं अब। और ये बात आपको ये समझना है, अमित शाह 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, 2 दिन के दौरे पर थे, और उसके बाद उनकी तरफ से ये सिफारिश की गई है 6 महीने राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की।